हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ मिलने अपनी एक क्लोज फ्रेंड से जो कि जमशेदपुर से भुवनेश्वर आई है। सी इज वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड। वो अपने हस्बैंड आई मीन जीजा जी के साथ आई है लॉर्ड जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए और साथ ही में उड़ीसा के कुछ टूरिस्ट प्लेस विजिट के लिए। फाइनली मैं आके पहुँच गई हूँ अपनी दोस्त के पास। गाइस, हर नेम इज सरिता, सी इज माई बी टेक फ्रेंड। बहुत सालों बाद मिले हम दोनों। बहुत सारे अधूरी बातें खत्म करने के बाद हम निकल पड़े हैं घूमने। पहले हम गए थे प्रभु लिंगराज जी के दर्शन के लिए। टेम्पल का फ्रंट व्यू चेंज हो गया है, बहुत सारे मतलब हरे भरे प्लांट्स लगा है मंदिर के सामने। बहुत ही सुंदर एंड क्लीन लग रहा है। भगवान जी के दर्शन के बाद हम निकले व्हाइट पीस पागोड़ा देखने के लिए, जो कि ओडिशा का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, धौली स्तूपो। ये जगह के पास कलिंग वार हुआ था सम्राट अशोक के टाइम पे। ये वार में बहुत ही सैन्यों, हाथी घोड़े की जान गई थी और युद्ध के वजह से यहीं पास में जो दया नदी है उसकी पानी खून से रेड कलर हो गई थी। ये सब देखकर सम्राट अशोक को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, बहुत ही बुरा फील हुआ। ही चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम चंडाशोक टू धर्माशोक और बुद्ध भगवान के शरण में चले गए वो। धौली स्तूप आने से पहले लेफ्ट साइड में एक सुंदर सा पार्क है जहाँ सम्राट अशोक की शिलालेख है और पास में पिकनिक स्पॉट्स भी है। धौली स्तूप बिल्ट बाय कलिंग निपुण बुद्ध संघ इन 1973 एंड नोन आज शांति स्तूप ऑल्सो। बहुत ही सुंदर एंड पीसफुल जगह है ये। फॉर एजेड एंड हैंडीकैप पीपल लिफ्ट की भी सुविधा है यहाँ पर। आपको यहाँ बड़ा बड़ा बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ एक बड़ा शिव भगवान जी का मंदिर भी है यहाँ। चारों तरफ बैठने के लिए जगह है। इवनिंग में यहाँ पर लाइट शो होता है। आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम इज बेस्ट टू रिलैक्स एंड एन्जॉय हियर। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स, डिफरेंट कैंडी, फ्रूट जूस खाने पीने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारी हैंडमेड आइटम्स, शो पीस भी मिल जाएगी। एक लाइब्रेरी भी है पास में। सो फाइनली घूमने फिरने ख़त्म होने के बाद हम पहुँचे एक होटल में एंड ऑर्डर आवर लंच जो मील्स। एंड बहुत ही खुशी हुई इतने दिनों बाद फ्रेंड से मिली एंड टाइम स्पेंड किए टुगेदर एंड इतना सारा जगह घूमे। देन एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि जीजा जी बोले उड़ीसा का फूड इज़ बेस्ट, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी। वो तो है, बहुत ही खुशी होती है जब कोई हमारा उड़ीसा की वाह वाह करते हैं या तारीफ करते हैं। नॉट ओनली फूड, अभी बहुत ही क्लीन रहता है शहर चारों तरफ एंड ग्रीनरी भी सबूज और सुंदर। आम उड़ीसा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।